बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान हुसैन सिद्दीकी। सर, आज मैं आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक टर्म है। इससे मुराद ये होता है हमने किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसके एरर्स को फाइंड आउट करना, ताकि कोई भी जो हमारी सॉफ्टवेयर या कोई भी मशीन है वो बेटर आउटपुट दे सके और सही एग्जीक्यूट यानी प्रॉपर एग्जीक्यूट करे विदाउट एरर्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक टेस्टिंग होती है, एक होती है डायनेमिक टेस्टिंग होती है, एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है और एक होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक टेस्टिंग के बारे में बताता चलूँ। स्टैटिक टेस्टिंग से मुराद ये होता है कोई भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी कोड परफॉर्म कर रहे होते, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई भी आप कोड परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपने उसका कोड को यानी कोड को आपने टेस्ट करना है, उसका ड्राई रन करना है। इसमें ये एक स्टैटिक और डायनेमिक में आपका ये फ़र्क होता है कि स्टैटिक में आप कोई भी चीज़ यानी कोई भी कोड आप किसी भी कोड को आप चेक कर रहे होते हो तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, हम उसको खाली जो कोड होती है उसे आपको चेक करते हैं विदाउट एग्जीक्यूटिंग। उसके मुकाबले में जो डायनेमिक टेस्टिंग होती है, डायनेमिक टेस्टिंग से मुराद ये होता है कि कोई भी कोड परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी कोड आप टेस्ट कर रहे हो तो आप उसे एग्जीक्यूट भी करोगे। और इसमें जो अगली टाइप्स हैं जो वो हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से मुराद ये होता है कि हम उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर को कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन को चेक करना उसके विदाउट इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं चेक करते, इसमें विदाउट इंटरनल स्ट्रक्चर हम उसकी मशीन की परफॉर्मेंस को और किसी भी सॉफ्टवेयर को यानी किसी भी हार्डवेयर को हम विदाउट इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक किए हुए उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं। इसके मुकाबले में जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, इसमें हम किसी भी मशीन की या किसी भी सिस्टम की हम इंडिविजुअल इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं, उसका व्यू करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं ताकि वो अपनी बेटर आउटपुट और बेटर लुक प्रोवाइड कर सके। इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। एक होता है यूनिट टेस्टिंग होता है, एक होता है सिस्टम टेस्टिंग होता है, एक होता है एक्सेप्टिंग टेस्टिंग होता है और एक होता है एक्सेप्टिंग टेस्टिंग होता है। और सबसे पहले मैं आपको यूनिट टेस्टिंग के बारे में बताते चलूँ। यूनिट टेस्टिंग में ये होता है कि आप एक एक इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की आप उसकी परफॉर्मेंस को जायजा लेते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको पे एग्जीक्यूट भी करते हैं। उसमें हर मॉड्यूल्स को उसमें कोई भी मॉड्यूल है हर मॉड्यूल्स को स्टेप बाय स्टेप चेक करते कोई भी मॉड्यूल्स ताकि कोई भी मॉड्यूल्स मिसिंग ना हो। और उसके बाद जो सिस्टम टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग से मुराद ये होता है कि हमने सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना, सिस्टम को हमने चेक करना कि वो उसकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं। हमने इसमें सिस्टम को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में भी डिवाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें एरर्स हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज को इसको कि इसकी परफॉर्मेंस को जायजा लेते हैं। इसके बाद जो एक्सेप्टिंग टेस्टिंग है, जो एक्सेप्टिंग टेस्टिंग से मुराद ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को रिलीज़ करने से पहले आप सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लीजिए कि यूज़र को डिलीवर करने से पहले आप उसकी परफॉर्मेंस को जायजा लेते हैं कि आप कोई भी उसमें कोई अगर एरर्स हैं तो आप उसे इसकी बग्स हैं तो आप उसे रिमूव कर सकें, ईजिली फाइंड आउट कर सकें। अगर कोई भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप पहले उसको रिलीज़ करने से पहले तो आप उसकी परफॉर्मेंस का अच्छी तरह जायजा लेंगे कि ये इसमें कोई एरर्स है या नहीं। और जो उसमें आज जो लास्ट है वो है कंपोनेंट टेस्टिंग। जो कंपोनेंट टेस्टिंग होता है वो ईच मॉड्यूल की हम टेस्टिंग करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम उसकी कंपोनेंट को का जायजा लेते हैं कि हर एक मॉड्यूल का और इसमें एक मॉड्यूल को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें इससे ये होता है कि जो भी इसमें जो बर्डन होता है वो इजीली हमारे पास रिमूव हो सकें। तो इसमें एक एक मशीन को हम मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइस करेंगे और इसमें एक ईच एंड एवरी मॉड्यूल को हम चेक करेंगे ताकि अब इसमें ताकि उसको टाइम का वेस्टेज ना हो, उसकी कम्प्लेक्सिटी में ना इजाफा हो।
उम्मीद है ये आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेशन और फीडबैक के लिए हमारे चैनल देखते रहे स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।